देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के मुख्य समाचारों में हम जानेंगे मणिपुर में चल रही हिंसा के थमने के बाद वहां का क्या है माहौल। फिल्म द केरल स्टोरी को बनाने वाले के लिए क्यों की जा रही है फांसी की मांग। एनसीपी के अध्यक्ष पद पर शरद पवार के बने रहने के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने क्यों कसा है तंज। और अंत में हम जानेंगे चक्रवात मोचा को लेकर मौसम विभाग ने क्या दिया है अपडेट। फिलहाल वीडियो की शुरुआत से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को किया गया गिरफ्तार। यह गिरफ्तारी पाक रेंजर्स द्वारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की गई है। अभिनेता सलमान खान को गोल्डी बराड़ के नाम पर धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ जारी किया गया लुकआउट नोटिस। केरल के कलबुर्गी में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, मैं 81 वर्ष का हूं और यदि कोई मुझे खत्म करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन मैं अंतिम सांस तक गरीबों के लिए लड़ता रहूंगा। तेज गेंदबाज जाफरा आर्चर हुए आईपीएल से बाहर। अब उनकी जगह मुंबई इंडियंस ने क्रिस जॉर्डन को खिलाने का लिया है फैसला। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अपनी सरकार के विधायकों को बदनाम करने का काम कर रही हैं। उन्होंने ऐसे विधायकों पर आरोप लगाया है जिनका अनुभव 50 साल का है। पायलट ने गहलोत के इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि मैं 11 मई को अजमेर से जयपुर के लिए यात्रा निकालूंगा। किसानों में दौड़ी खुशी की लहर। अब एक सप्ताह के भीतर ही बैंक खाते में आएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा। पंजाब में खालिस्तानियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले कांग्रेस नेता गुरसिमरन सिंह को दी गई वाई प्लस सिक्योरिटी। कांग्रेस के संप्रभुता विवाद को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेज मांगा जवाब। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 8वें दिन भी कोई नतीजा नहीं निकला। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ ने कहा कि ये पूरा मसला ही काफी पेचीदा है, ये मंथन करने वाला मामला है। लगातार सुर्खियों में रही अभिनेत्री राखी सावंत के भाई राकेश सावंत को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के पीछे का कारण चेक बाउंस को बताया जा रहा है। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में देखी गई अस्थिरता। सेंसेक्स में 3 अंकों की कमी हुई तो निफ्टी में देखी गई 2 अंकों की तेजी। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सप्ताह भर के बाद मणिपुर में हिंसा थम सी गई है और जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। इस बीच खुफिया सूत्रों से पता चला है कि इस हिंसा के पीछे का बड़ा कारण म्यांमार के उग्रवादी है। दरअसल म्यांमार के 50,000 से ज्यादा कुकी मिजो चिन समूह के लोग और रोहिंग्या मणिपुर में घुस चुके थे, जिनमें उग्रवादी समूह के कैडर भी शामिल थे। इन लोगों की शारीरिक बनावट और भाषा स्थानीय लोगों के जैसी ही है, जिस वजह से इन लोगों की अलग से पहचान नहीं हो पा रही है। ये लोग सुरक्षा बलों की नजर से बचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी का फायदा उठाकर कुकी समुदाय के लोग पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों से भी घुस गए हैं। बता दें कि म्यांमार से मिजोरम में घुसे इन लोगों को राज्य सरकार शरण देने के साथ पहचान पत्र के माध्यम से सभी सरकारी सुविधाएं दे रही है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार इन्हें शरणार्थी का दर्जा देने से मना कर रही है। गौरतलब है कि मणिपुर में 3 मई को ओल्ड ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था। ये मार्च मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। मार्च के बाद स्थिति बिगड़ गई और इसने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग तो दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग थे। जानकारी के लिए बता दें कि हिंसा में अब तक 60 लोग मारे जा चुके हैं जबकि 230 घायल हुए हैं और 35,655 लोग विस्थापित हो गए हैं। विस्थापित तो बहुत से लोग द केरल स्टोरी फिल्म के आने के बाद भी हो गए हैं, जिसे लेकर अब भी बवाल मचा हुआ है। कहीं पर इस फिल्म को बैन किया जा रहा है जबकि कहीं पर फिल्म को देखने के लिए प्रचार किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस फिल्म को लेकर देश भर में क्या चल रहा है माहौल। द केरला स्टोरी पर और बड़ा विवाद। फिल्म बनाने वालों के लिए की जा रही है फांसी की मांग। दरअसल इस फिल्म को देखने के लिए एक तरफ सिनेमा घरों में दर्शक उमड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति ने तूल पकड़ लिया है। बंगाल में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है और तमिलनाडु में इसे सिनेमा एसोसिएशन ने देखने से मना कर दिया है। इस फिल्म को बढ़ावा देने के लिए यूपी और एमपी में टैक्स हटा दिया गया है। अब धीरे धीरे यह विवाद महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। यहां एनसीपी के सीनियर नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि इस फिल्म में सब झूठ दिखाया गया है। साथ ही आव्हाड ने 3 लड़कियों को 32,000 का बताया है। एनसीपी नेता ने विवादित बयान देते हुए कहा कि इस फिल्म के डायरेक्टर को फांसी होनी चाहिए। फांसी जैसे हालात तो महाराष्ट्र में एनसीपी और उद्धव गुट की शिवसेना के बीच बने हुए हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बोले दोनों पार्टी
पार्टियों के नेता। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता का समाधान होने के बाद भी सियासी घमासान अभी रुका नहीं है, क्योंकि एनसीपी और उद्धव गुट के नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। उद्धव गुट की शिवसेना ने कहा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने के लिए शरद पवार एक राजनीतिक उत्तराधिकारी खड़ा करने में विफल रहे। उद्धव गुट की शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में ये भी कहा है कि शरद पवार के बाद एनसीपी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए जो बड़ी कमेटी बनाई गई थी उसके कई सदस्य ऐसे हैं जो सत्ताधीन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए बेताब थे, लेकिन इन सदस्यों को मजबूरन पवार को ही आगे के लिए अध्यक्ष बने रहने के लिए कहना पड़ा, क्योंकि उन पर एनसीपी के केडरों की ओर से दबाव बना हुआ था। उद्धव गुट की शिवसेना द्वारा ये प्रतिक्रिया देने के बाद एनसीपी नेता शरद पवार ने पलटवार किया है। शरद पवार ने कहा कि हम और पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देते और न ही ऐसे लोगों को अहमियत देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सतारा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पवार ने कहा कि राकापा में सभी को पता है कि पार्टी को कैसे आगे ले जाना है और उन्हें यह भी मालूम है कि पार्टी का नया नेतृत्व कैसे खड़ा करना है।